नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश हम साथ साथ हैं में। मैं हूं प्रियंका उप्पल आनंद। हम साथ साथ हैं इसलिए क्योंकि एक खास उद्देश्य है जब दोनों भाई साथ साथ हैं। 28 दिसंबर को धीरूभाई के जन्मदिन के मौके पर अंबानी परिवार गुजरात के चोरवाड़ पहुंच रहा है। चोरवाड़ में धीरूभाई का जन्म हुआ था और अपना बचपन उन्होंने यहीं गुजारा था। धीरूभाई के जन्मदिन से एक दिन पहले यहाँ मुकेश और अनिल का पूरा परिवार और उनकी माँ कोकिला बेन चोरवाड़ में इकट्ठा हो रहे हैं। इसके बाद दोनों भाइयों के बीच रिश्तों की नई शुरुआत हो सकती है। अंबानी परिवार की ये तस्वीरें शायद ही आपने पहले कभी देखी होंगी। ये तस्वीरें 1996 की हैं, जब धीरूभाई अपने परिवार के साथ गुजरात के पैतृक इलाके चोरवाड़ आए थे। इन्हीं यादों को ताजा करने के लिए पूरा अंबानी परिवार लंबे अरसे बाद चोरवाड़ में इकट्ठा होने जा रहा है। मौका है 28 दिसंबर को धीरूभाई अंबानी के जन्मदिन का। धीरूभाई के जन्मदिन से एक दिन पहले पूरी अंबानी फैमिली अपनी मां कोकिला बेन के साथ यहां पहुंच रही है। 27 दिसंबर को अंबानी परिवार चोरवाड़ के भवानी माता मंदिर में पूजा करेगा। पूजा के बाद गांव के लोगों के लिए सार्वजनिक भोज का आयोजन किया गया है। इस भोज की परंपरा धीरूभाई अंबानी के जमाने से चली आ रही है। अंबानी परिवार इसके बाद गाँव के लोगों से मुलाकात करेगा और पुराने रिश्तों को ताजा करेगा। लोगों को उम्मीद है कि चोरवाड़ से अंबानी भाइयों के रिश्ते की नई कहानी शुरू हो सकती है। दोनों भाई में जो गैर समझ हुई है वो चोरवाड़ में आके दूर हो जाए, ऐसा हम लोग चाहते हैं। चोरवाड़ से अंबानी परिवार का पुराना नाता रहा है। धीरूभाई का जन्म यहीं हुआ था, बचपन के दिन भी उन्होंने यहीं गुजारे थे। चोरवाड़ के जिस घर में धीरूभाई और कोकिला बेन किराए पर रहते थे उसे खरीद कर अब धीरूभाई मेमोरियल बना दिया गया है। चोरवाड़ से नाता इतना गहरा है कि अंबानी परिवार भले ही यहाँ कभी कभार आता हो लेकिन यहाँ के चप्पे चप्पे पर अंबानी परिवार की छाप देखने को मिलती है। 1986 में अकाल पड़ा तो चोरवाड़ के लोगों को पानी मुहैया करवाने के लिए धीरूभाई ने 10 लाख रुपए खर्च किए थे। 1986 में ही धीरूभाई ने चोरवाड़ में 40 लाख रुपए खर्च करके स्कूल बनवाया था। 1996 में अंबानी परिवार ने चोरवाड़ की सड़कें बनवाने पर 30 लाख रुपए खर्च किए थे। 2006 में अंबानी परिवार ने 12 लाख रुपए खर्च करके यहां का प्रवेश द्वार बनवाया। चोरवाड़ के लोगों के मन में अंबानी फैमिली से जुड़ी यादें आज भी ताजा हैं। मुकेश भाई भी हमारा बहुत वखान करते हैं और टीना भाभी पर हमारे साथ बातचीत करते हैं। उसको भी थोड़ा थोड़ा गुजराती आता है तो हमारे साथ बात करते है। चोरवाड़ और उसके आस पास के गाँव के करीब 150 लोग अंबानी भाइयों की कंपनी में काम भी करते हैं, यानी चोरवाड़ की मदद के लिए अंबानी परिवार तन मन धन से मौजूद रहता है। केतन जोशी, जी बिजनेस, चोरवाड़। और इसी कार्यक्रम में हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, किम इंजीनियरिंग इंडिया के सीनियर वीपी हैं जिगर शाह। वेलकम टू जी बिजनेस मिस्टर जिगर शाह। और साथ ही हमारे संवाददाता केतन भी हमारे साथ बने रहेंगे जिन्होंने ये रिपोर्ट को कवर किया है। पहले जिगर शाह का रुख करते हैं। मिस्टर शाह, अंबानी भाइयों के बीच जिस तरह से खटास खुलकर सामने आई, समय गवाह है, शेयर मार्केट भी गवाह है और कॉर्पोरेट जगत भी गवाह है, लेकिन अब जिस तरह की एक पहल की जा रही है, क्या लग रहा है, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या ये एक नई शुरुआत मानी जा सकती है? जी, मेरे ख्याल में जो भी एपिसोड 5-6 साल पहले हुआ है उसको और इसको लिंक हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद काफ़ी चेंजेस हुए हैं और जो दोनों बिजनेस ग्रुप के जो एजेंडास थे उनमें भी काफ़ी उन्होंने तब्दीली की है, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है और किसी भी प्रकार का कोई भी जो जिसको बोलते हैं एनिमोसिटी, उस प्रकार का जो है सिचुएशन आया नहीं है पिछले काफ़ी सालों में। तो मेरे ख्याल में ये एक उत्तरोत्तर इम्प्रूवमेंट हो रहा है और ये जो इवेंट जो आप बताने जा रहे हैं उससे मतलब कोई मुझे नहीं लगता है कि कोई मेजर डिफरेंस है। अभी ये काफ़ी एक्सपेक्टेड ही है के उनके जो रिलेशंस है वो काफ़ी हद तक स्टेबल है। चलिए, उनके रिलेशन काफ़ी हद तक स्टेबल है, किसी तरह की कोई रिफ्ट की बात अब तक फिलहाल खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन समय गवाह है कि किस तरह से दोनों के बीच में खटास बढ़ी है समय के साथ। हमारे साथ केतन जोशी भी बने हुए हैं। केतन, परिवार का मामला है और खास तौर पर ये दिन भी खास है पूरे अंबानी परिवार के लिए, क्या ये एक बड़ी वजह है कि दोनों भाई एक साथ दिखाई देंगे?
केतन, क्या ये इस दिन की इम्पोर्टेंस है, इस दिन की गरिमा है कि दोनों भाई शायद अपने जो भी प्रोफेशनल फ्रंट पर या पर्सनल फ्रंट पर मतभेद है उन्हें भुलाकर एक साथ परिवार, एक पूरे बड़े परिवार के तरह एकजुट होंगे? जी बिल्कुल, जो धीरूभाई के समय वो लोग साथ में रहते थे, एक मिसाल दी जाती थी कि पूरा परिवार कितना एकजुट है। मुझे याद है कि एक धीरूभाई ने अपना लास्ट इंटरव्यू 1990 में दिया था एक प्रिंट मीडिया को, तब उन्होंने कहा था कि भाई मेरे वारिस को लेकर मुझे कोई संदेह नहीं है और वो मेरा एम्पायर और आगे ले जाएंगे। तो उसके बाद जो ये रिश्तों में खटास आई और वापस अब दोनों एक साथ होने को है, तो हम कह सकते हैं कि जो धीरूभाई का सपना था कि मेरा एम्पायर है वो जो मैं छोड़कर जा रहा हूँ उससे भी वो दोनों भाई आगे ले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं दोनों भाइयों के अंदर भी ये बातें है और खासकर कोकिला बेन का ये प्रयास रहेगा कि दोनों भाई वापस एक साथ हो जाए। लेकिन ये एक लंबी प्रक्रिया होगी, लेकिन हम कह सकते हैं कि दोनों भाई अब साथ आने के लिए तैयार शायद हो चुके हैं मन से, और ये चोरवाड़ का जो पूरा प्रोग्राम होगा ये एक उनकी पहली कड़ी हम कह सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, एक पहली कड़ी की तरह इसे कहना होगा, आप दोनों हमारे साथ बने रहे। लेकिन हमें व्यूवर्स को बता दें कि चोरवाड़ का भवानी माता मंदिर अंबानी परिवार के लिए खासा महत्व रखता है। अंबानी परिवार से जब भी कोई चोरवाड़ आता है इस मंदिर पर मत्था टेके बगैर नहीं जाता। माता का ये मंदिर धीरूभाई के अच्छे और बुरे वक्त का भी गवाह रहा है। धीरूभाई अंबानी के जन्मदिन के मौके पर अंबानी परिवार इस मंदिर में सार्वजनिक भोज का आयोजन करने जा रहा है और ये परंपरा भी धीरूभाई अंबानी ने ही शुरू की थी। यह चोरवाड़ का ऐतिहासिक भवानी मंदिर, इस मंदिर को सजाने का काम इन दिनों जोर शोर से चल रहा है। दरअसल इस महीने के अंत में पूरा अंबानी परिवार यहाँ आने वाला है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब अंबानी परिवार यहाँ आ रहा है। जब भी ये परिवार चोर आता है इस मंदिर में दर्शन करना इस परिवार के लिए परंपरा बन गई है। और जब अनिल भाई की गठबंधन थी शादी के बाद, वो भी यहाँ छोड़ी थी और सब तीन गांव भोजन के लिए इधर प्रसाद लिया था और यहाँ आए थे, और जब भी आते हैं चोरवाड़ में इधर दर्शन करने आते हैं। अंबानी परिवार की तरह ही गांव के दूसरे लोगों की आस्था भी इस मंदिर से जुड़ी है। गांव के लोग आज भी वो समय याद करते हैं जब धीरूभाई अंबानी ने पूरा दिन इस मंदिर में बिताया था। कोकिला बेन महीना में एक दो दफा भी आते हैं, दो तीन महीना में भी आते हैं, और माता जी की जगह पे तो जब भी आते हैं तब दर्शन के वास्ते आते जाते हैं और बहुत प्रेम भाव रखते हैं, भावना भी शुद्ध है। लोगों का कहना है कि अंबानी परिवार एक बार फिर यहाँ दर्शन करने आ रहा है और ये अवसर बहुत ही खास होगा। वैसे तो ये चोरवाड़ का एक आम मंदिर है और एक आम भोजन स्थल है, लेकिन अपने आप में एक खास है क्योंकि माता कोकिलाबेन अपने दोनों संतान मुकेश और अनिल अंबानी के साथ 27 और 28 तारीख को यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर एक बड़ा सा भोजन समारंभ भी आयोजित किया जाएगा, और फिर से ये जगह दोनों भाइयों की एकता के एक मिसाल में पहला कदम हो सकती है। कैमरामैन सुबोध व्यास के साथ केतन जोशी, जी बिजनेस, चोरवाड़। और जिगर शाह भी हमारे साथ बने हुए हैं। जिगर, लेकिन अगर दोनों भाइयों की ही अगर प्रोफेशनल फ्रंट पर बात करें कि किस तरह से खबरें लास्ट ईयर भी आई, मई 2010 में भी आई कि शायद दोनों भाई जो नॉन कॉम्पिटेंट अग्रीमेंट है उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं, यानी एक दूसरे के जो एरेनाज है, काम काज के बिजनेस फेयर्स हैं उसमें फ्री होंगे एंटर करने के, उसके बाद उस न्यूज़ को चेयर भी किया था मार्केट ने, और उसके बाद अब भी कुछ समय से स्पेकुलेशन जा रही हैं। क्या लगा अगर ये वाकई एक बात इसमें एक पॉजिटिव इस डायरेक्शन में पॉजिटिव कदम देखने को मिलता है दोनों भाइयों की तरफ से, तो इसका पॉजिटिव असर जरूर देखने को मिलेगा? देखिए, जो नॉन कम्पीट अग्रीमेंट की बात है उसमें ऑलरेडी जो रिस्ट्रिक्शन था रिलायंस इंडस्ट्रीज को पावर और फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह सेक्टर में आने के लिए, वो ऑलरेडी हटा दिया गया है, और उन्होंने कुछ समय पहले कोशिश भी की थी उस क्षेत्र में आने के लिए। अभी तक कोई कॉन्क्रीट प्लान उन्होंने नहीं बनाया, लेकिन अभी मेरे ख्याल में उस बारे में उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है कि RIL जो है वो इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, उस प्रकार के जो भी शर्तें थी वो अभी हटाई दी गई हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उस प्रकार का अभी कोई इश्यू रहता है। इनफैक्ट अब जो नेक्स्ट जो उनका डेवलपमेंट है वो रिलायंस कम्युनिकेशन के जो टावर शेयरिंग की बात है, जब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अपना ब्रॉडबैंड वायरलेस जो नेटवर्क रोल आउट करेगी अगले साल में फर्स्ट या सेकेंड क्वार्टर में, तो उस टाइम पे उनके जो रिलायंस कम्युनिकेशन के टावर्स हैं उनके शेयरिंग की बात है, और ये बात कुछ महीनों पहले आई है और दोनों सोर्सेज ने उसको पुष्टि भी दी है, तो ये काफ़ी हद तक मैं मानता हूँ कि मार्केट के नॉलेज में ये बात है,
और ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और ये बताती है कि इनके रिलेशन जो है वो स्टेबल है। जी बिल्कुल, तो यानी इस तरह के स्पेकुलेशंस आए भी हैं और दोनों भाइयों ने इस बात की पुष्टि भी कहीं ना कहीं की है। लगातार इस तरह की खबरें आई भी हैं और जिस तरह से लास्ट ईयर नॉन कॉम्पिटेंस अग्रीमेंट में फेरबदल के बाद ये इस मार्केट को, इस न्यूज़ को मार्केट ने चीयर भी किया था। और वाकई अगर इस तरह की एक पॉजिटिव कदम उठाया जाता है तो ये दोनों कॉर्पोरेट घरानों के लिए, ये एक कॉर्पोरेट घराना तो बड़ा एक ही है लेकिन जिस तरह से स्प्लिट हुआ, इन दोनों के लिए, दोनों भाइयों के लिए एक अच्छा कदम जरूर माना जाएगा। लेकिन फिलहाल एक खास उद्देश्य है 28 दिसंबर जिस दिन धीरूभाई अंबानी का जन्मदिन है और उस पर किस तरह की तैयारी की जा रही है, इस पर लगातार बताने के लिए केतन जोशी भी हमारे साथ बने हैं, जिगर शाह भी बने हुए हैं। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस हाजिर होते हैं।